दोस्तों यदि आप एक फ्री फेयर प्लेयर है और आपके फ्री फेयर आईडी पे स्पेशल एयरड्रॉप दिया गया है तो किस तरीके से आपके फ्री फेयर आईडी पे दिया गया स्पेशल एयरड्रॉप को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि फ्री फेयर आईडी पे दिया गया स्पेशल एयरड्रॉप को आप रिडीम कोड से परचेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके फ्री फेयर आईडी पे 10 रुपया या फिर 30 रुपया या फिर दोस्तों उससे ज्यादा अमाउंट का स्पेशल एयरड्रॉप दिया गया है, तो जितने अमाउंट का स्पेशल एयरड्रॉप आपके फ्री फेयर आईडी पे दिया गया है उतने अमाउंट का रिडीम कोड किस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, उसके बाद फ्री फेयर में रिडीम करके स्पेशल एयरड्रॉप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक पेटीएम यूजर होना चाहिए। तो इधर आप एक पेटीएम यूजर है और आप पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इस केस में आपके पेटीएम में पेटीएम कैशबैक पॉइंट मिला होगा। जैसे कि ये रहा पेटीएम कैशबैक पॉइंट, तो यदि आपके पेटीएम आईडी पे कैशबैक पॉइंट है तो इस केस में आप इसी पेटीएम कैशबैक पॉइंट के माध्यम से ही बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड ले सकते हैं, उसके बाद फ्री फेयर में रिडीम करके स्पेशल एयरड्रॉप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पेटीएम यूजर नहीं है फिर भी आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आपका कोई दोस्त या फिर कोई फैमिली मेंबर पेटीएम यूज करते हैं तो इस केस में आप उनके पेटीएम के माध्यम से भी बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड लेके अपने फ्री फेयर आईडी पे रिडीम कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं यदि आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उसके बाद फ्री फेयर में दिया गया स्पेशल एयरड्रॉप को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू आईडी ओपन कर लिया है, क्योंकि दोस्तों मेरे फ्री फेयर आईडी पे स्पेशल एयरड्रॉप नहीं दिया गया है और इस वाले आईडी पे आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 रुपया का स्पेशल एयरड्रॉप दिया गया है। तो इसी स्पेशल एयरड्रॉप को मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ फ्री में लेकर दिखाऊंगा। तो आपके फ्री फेयर आईडी पे जो स्पेशल एयरड्रॉप दिया गया है उसे आप किस तरीके से बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में अपने पेटीएम ऐप ओपन करना है। इसके अलावा दोस्तों आप जिसके पेटीएम के माध्यम से लेना चाहते हैं उनके पेटीएम ऐप को सिंपली से आपको खोल लेना है। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कैशबैक एंड ऑफर्स, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है तो ऐसे में कैशबैक पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे पेटीएम के अंदर 9,880 कैशबैक पॉइंट है। तो यदि आपके पेटीएम में कैशबैक पॉइंट है तो इस कैशबैक पॉइंट के माध्यम से किस तरीके से आप रिडीम कोड ले सकते हैं वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम कैशबैक पॉइंट कहाँ से मिलता है, जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे पॉइंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर रिडीम कोड परचेस किया था, वहां से मुझे कैशबैक पॉइंट मिला है। इसके अलावा विंडोज है, इसके अलावा काफी सारे ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे किया है जहां से मुझे यहाँ पे पेटीएम कैशबैक पॉइंट मिला है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन करने पर आपके पेटीएम में भी कैशबैक पॉइंट मिला होगा। तो कैशबैक पॉइंट के माध्यम से रिडीम कोड लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैशबैक पॉइंट को पेटीएम गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टू पेटीएम बैलेंस दिखाया गया है और यहाँ पे दोस्तों काफी सारे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि 10 रुपया से 250 रुपया तक आप यहां पे पेटीएम गिफ्ट वाउचर बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे 50 रुपए का गिफ्ट वाउचर बनाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे यहां पे 5,500 कैशबैक पॉइंट देना होगा। तो आप जिस भी गिफ्ट वाउचर को लेना चाहते हैं उस वाले गिफ्ट वाउचर को सिंपली से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने पर आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा, जैसे कि अभी मुझे यहां पे 50 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है कि नीचे आपको यहां पे कंफर्म करने के लिए ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको यहां पे प्रेस करना है और यहां पे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही दोस्तों आपके पेटीएम से कैशबैक पॉइंट काट लिया जाएगा और उसके बदले में आपको गिफ्ट वाउचर दे दिया जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 50 रुपया का पेटीएम गिफ्ट वाउचर दे दिया गया है। तो चलिए अभी देख लेते हैं मेरा पेटीएम वॉलेट ओपन करके कि मुझे यहाँ पे 50 रुपया का गिफ्ट वाउचर मिला है या नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपने पेटीएम वॉलेट को ओपन करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पेटीएम गिफ्ट वाउचर के अंदर 50 रुपया एड हुआ है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे कि मैं आप सबको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम पेटीएम कैशबैक पॉइंट, जिसके माध्यम से मुझे यहाँ पे 50 रुपया का गिफ्ट वाउचर मिला है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले पेटीएम कैशबैक पॉइंट के माध्यम से गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों इसी गिफ्ट वाउचर के माध्यम से ही आप गूगल प्ले स्टोर रिडीम कोड ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा पेटीएम वॉलेट के अंदर 20 रुपीज ऐड है, इस 20 रुपीज को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ अपना पेटीएम गिफ्ट वाउचर का जो अमाउंट है उसके माध्यम से ही रिडीम कोड लेके दिखा सकूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 रुपीज ट्रांसफर कर दिया है, तो अभी मेरे गिफ्ट वाउचर के अंदर 50 रुपया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर के माध्यम से रिडीम कोड लेने के लिए क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे ये जो सर्च करने का ऑप्शन दिखाया गया है इसके अंदर डाल देना है कि गूगल प्ले स्टोर रिडीम कोड। तो जैसे मैं यहाँ पे गूगल डालता हूँ तो ये देखिए नीचे यहाँ पे गूगल प्ले का ऑप्शन दिखाया गया है। तो गूगल प्ले वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है कि आप कितने का रिडीम कोड लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 रुपया का लेना चाहता हूँ, तो अमाउंट डाल के आपको यहाँ पे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप इंटरफेस दिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे फिर से प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन दिखाया जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पेटीएम बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 रुपया दिखाया गया है। तो अभी आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पेटीएम बैलेंस का जो ऑप्शन दिखाया जाए इस पे आपको टिक मार्क लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही दोस्तों यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और पेमेंट होते ही दोस्तों आपको यहाँ पे रिडीम कोड दे दिया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। उसके बाद जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सक्सेस हो चुका है, और सक्सेस होते ही दोस्तों यहाँ पे मुझे रिडीम कोड दे दिया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मुझे पेटीएम की तरफ से एक मैसेज किया गया है, जिसके अंदर भी रिडीम कोड दिया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वाले मैसेज को मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इसे कॉपी कर लूंगा। तो आप यहाँ पे मेरे जैसे ही रिडीम कोड कॉपी कर सकते हैं, इसके अलावा देख के आप फ्री फायर में भी डाल सकते हैं। तो अभी रिडीम करने के लिए क्या करना है कि सिंपली से आपको यहाँ पे स्पेशल एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद अमाउंट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है या फिर स्थिर निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिडीम कोड डालने का ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो रिडीम कोड वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने पर दोस्तों आपको यहाँ पे रिडीम कोड डालने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे उस SMS को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे उस SMS को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो आप मेरे जैसे ही SMS को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और कुछ इस टाइप से आपको रिडीम कोड को छोड़ के सारे वर्ड्स को यहाँ से कुछ इस टाइप से हटा देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप रिडीम कोड को देख के टाइप करके भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिडीम कोड डाल दिया है, उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे रिडीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 रुपया का रिडीम कोड दिखाया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ, तो ऐसे में मेरे प्ले स्टोर पे 30 रुपया ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल प्ले बैलेंस 30 रुपया दिखाया गया है। तो अभी मुझे यहाँ पे 30 रुपया पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे वन टैप वाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट होते ही दोस्तों आपको स्पेशल एयरड्रॉप दे दिया जाएगा। जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पे वन टैप वाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और पेमेंट सक्सेसफुल होते ही दोस्तों मुझे यहाँ पे स्पेशल एयरड्रॉप दे दिया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये रहा मेरा स्पेशल एयरड्रॉप का बॉक्स। तो चलिए अभी यहाँ पे इसे क्लेम करके आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे लूट बॉक्स के साथ साथ 100 डायमंड मिल चुका है, और मेरे ID पे तुरंत 100 डायमंड ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया है कि किस तरीके से आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट के माध्यम से अपने फ्री फेयर ID पे स्पेशल एयरड्रॉप ले सकते हैं। सो फॉलो का आज के इस वीडियो के अंदर बस नए बताना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और के मन में कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और जब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिया गया लाल बटन पे क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही फ्री फेयर जानकारी वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।